क्योंकि प्रहलाद जी ने कह दिया था कि हाँ पिताजी, मेरे नारायण इस खंभ के अंदर भी बैठे हैं, मेरे परमात्मा इस खंभ में भी हैं, तो कहीं मेरे भक्त की बात झूठी ना हो जाए। यदि आज इस खंभ से मैं प्रकट नहीं हुआ तो मेरे भक्त की वाणी झूठी हो जाएगी। तो अपने भक्त की उस वाणी को सत्य करने के लिए भगवान साक्षात खंभ से प्रकट हो गए थे। हिरण्यकश्यप का उद्धार नरसिंह भगवान ने किया था, आप लोगों ने कल देखा था। लेकिन बंधुओं, जब हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया तो इसके मरने के बाद सभी देवता आकाश से नीचे उतर के आ गए और नृसिंह भगवान की स्तुति सब देवता करने लगे थे। लेकिन भगवान को देवताओं की स्तुति सुनकर आनंद नहीं मिला था। प्रेम से कहो श्री राधे, प्रभु प्रसन्न नहीं हुए थे देवताओं की स्तुति से। इंद्र भी आ गए थे, ब्रह्मा जी भी आ गए थे, वरुण भी आ गए थे, सारे बड़े बड़े देवता स्तुति करने आ गए। लेकिन भक्त प्रहलाद को एक कोने में देवताओं ने खड़ा कर दिया। देखो, जब तक हिरण्यकश्यप मरा नहीं था तब तक सब देवता ऊपर खड़े हुए थे, कोई नीचे नहीं आया था, सब घबरा रहे थे। और जैसे ही ये दुष्ट मरा तो सब अपनी अपनी सुनाने आ गए। उन देवताओं की स्तुति को सुनकर आज नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा था कि अच्छा, जब तक ये दुष्ट जीवित था तब तक कोई नहीं आया, अब जब मैंने इसको मार दिया तो सब अपनी सुनाने आ गए। और जिस भक्त प्रहलाद के लिए मैंने ये रूप धारण किया उस भक्त प्रहलाद को एक कोने में खड़ा कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे, भगवान को अच्छा नहीं लगा। खूब जोर जोर से गर्जना कर रहे थे प्रभु। ब्रह्मा जी ने देखा कि आज इतना क्रोध क्यों आ रहा है भगवान को, क्योंकि जब तक ये दुष्ट हिरण्यकश्यप जीवित था चलो तब तक क्रोध किया, लेकिन अब क्यों क्रोध आ रहा है, कैसे क्रोध को शांत कराया जाए। तो ब्रह्मा जी ने श्री गणेश जी को कहा कि देखो गणेश जी महाराज, जब पूजा करवाने की बारी आती है तो सबसे पहले आप ही अपनी पूजा करवाते हो, चाहे किसी भी देवता की पूजा होने वाली हो लेकिन उससे पूर्व गणेश जी का आह्वान जरूर होगा, गणेश जी को पहले बुलाया जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि गणेश जी ऐसा करो, जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कराना है तो आगे आप ही जाओ ना, पहले आप स्तुति करो, नरसिंह प्रभु का क्रोध शांत कराओ, फिर हम पीछे आएंगे। गणेश जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूं। तो अपने वाहन मूषक पर, चूहे पर बैठकर, गणेश जी का वाहन है ना चूहा, चूहे पर बैठकर गणेश जी महाराज उस सिंहासन की एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगे, नरसिंह भगवान के पास पहुंचने लगे। प्रभु सिंहासन पर बैठे हैं, गर्जना कर रहे हैं, एक एक सीढ़ी गणेश जी ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचे तो नरसिंह भगवान ने जोर से गर्जना की, जोर से दहाड़ मारी, और उस गर्जना को सुनकर, उस दहाड़ को सुनकर गणेश जी के नीचे से चूहा ही निकल गया, चूहा खिसक गया। और जब चूहा नीचे से निकल गया तो गणेश जी भी धड़ाम से नीचे आके गिरे, वो तो मोटे तगड़े थे तो चोट नहीं आई, बच गए। हल्के पतले होते तो गोविंदाय नमो नमः, ज्यादा चोट नहीं लगी। गणेश जी ने ब्रह्मा जी के हाथ जोड़े कि महाराज हम क्रोध शांत नहीं करा सकते। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भी भेजा था कि हे देवी, आपके तो पति हैं, आप ही क्रोध शांत कराइए। लेकिन आज लक्ष्मी जी की स्तुति से भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे, सब हार गए। अंत में ब्रह्मा जी की नजर भक्त प्रहलाद पर पड़ी है कि अच्छा ये बात है,
आज भगवान इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि हमने भक्त को तो पीछे कर दिया है। प्रहलाद जी को कहा कि बेटा अब तो तू ही भगवान के क्रोध को शांत करा, आज तो भगवान बहुत क्रोध में है। तो अब प्रहलाद जी महाराज उस सिंहासन की एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं और बहुत सुंदर स्तुति श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान की कर रहे हैं। स्तुति में कई श्लोक हैं और बड़ी अद्भुत स्तुति है प्रहलाद जी की। क्या कह रहे हैं भगवान को हम थोड़ा सुने कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानुमतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरगुणे रधुना पविप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। स्तुति प्रहलाद जी महाराज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नरसिंह प्रभु, ये ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, ये ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति करते करते थक गए हैं लेकिन आपके क्रोध को शांत नहीं करा पाए। अब प्रभु जब इतने बड़े बड़े देवताओं की स्तुति सुन के आपका क्रोध शांत नहीं हुआ तो कहां मैं एक छोटा सा बालक, और केवल बालक नहीं हूं, मैं दैत्य कुल में जन्म लेने वाला हूं, मेरा पिता हिरण्यकश्यप असुर था, दैत्य था, तो ऐसे दुष्ट के यहां, ऐसे दैत्य के यहां प्रभु मैंने जन्म लिया है तो क्या आप मेरी स्तुति से प्रसन्न होंगे? हरिरुग्र जाते, आप तो उग्र जाते हो प्रभु, और कहां मैं एक दैत्य बालक। लेकिन भगवान मैं एक बात जानता हूं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि चाहे एक ब्राह्मण क्यों ना है, विप्रा दुषत गुणयुता दरविंदनाभ, एक ब्राह्मण है उसके अंदर ब्राह्मण होने के 12 गुण भी हैं, दुषत गुणयुता। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के साथ साथ उसके अंदर 12 गुण भी हैं, केवल कोरा ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण होने के गुण भी उसके अंदर हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि प्रभु उसके अंदर आपकी भक्ति नहीं है तो आप उससे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। और चाहे कोई स्वपच है जो मांस पकाकर खाने वाला है, और उस स्वपच के अंदर भी यदि आपकी भक्ति आ जाए, यदि उसके अंदर भी आपके प्रति प्रेम जग जाए तो प्रभु आप उसकी स्तुति से भी प्रसन्न हो जाते हो। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, भगवान को तुम्हारे अंदर दूसरी कोई वस्तु नहीं देखनी है, याद रखना, प्रभु तुम्हारे अंदर दूसरी कोई वस्तु नहीं देखेंगे, न तुम्हारा रूप देखेंगे भगवान कि तुम कितने सुंदर हो, न भगवान तुम्हारा रुपया पैसा दौलत देखेंगे कि कितना पैसा है तुम्हारे पास, न भगवान तुम्हारा यश तुम्हारी कीर्ति देखेंगे। इन सब बातों से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। चाहे तुम्हारा रूप कैसा भी है, कितना भी तुम्हारे पास पैसा क्यों ना है, इनसे कोई मतलब नहीं प्रभु को। भगवान केवल एक बात देखते हैं कि ये जीव मेरे से कितना प्रेम करता है, इसका कितना प्रेम मेरे चरणों में है, कितनी इसकी भक्ति मेरे प्रति है। भगवान ने यही बात तो रामचरितमानस में माता शबरी को कही है कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता कि मानहु एक भगति कर नाता। भगवान कहते हैं कि
हे शबरी, मैं दूसरा कोई संबंध नहीं जानता हूं, मैं केवल एक संबंध को जानता हूं, केवल एक रिश्ते को, केवल एक नाते को जानता हूं। कौन सा रिश्ता, कौन सा नाता? मानो एक भगति कर नाता, बस मैं केवल भक्ति के नाते को जानता हूं। भक्ति का रिश्ता मुझे मालूम है, दूसरा कोई नाता, दूसरा कोई रिश्ता मैं नहीं जानता। तो प्रणय जी भी यही बात कह रहे हैं कि भगवान, आपके चरणों में बस किसी का प्रेम हो जाए, कोई आपसे प्यार करने लग जाए, तो आप तुरंत उससे रीझ जाते हो, उस पर कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हो। प्रणय जी महाराज एक बात और कह रहे हैं, भगवान को कहते हैं कि हे नरसिंह प्रभु, ये सारे बड़े बड़े देवता आपके इस भयानक रूप को देखकर डर रहे हैं, सारे देवता भयभीत हो रहे हैं, आपने इतना भयानक रूप धारण किया है, सब आपसे दूर खड़े हैं, लेकिन प्रभु मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। प्रेम से कहो श्री राधे, सारे देवता नरसिंह भगवान से डर रहे हैं, भय लग रहा है, लेकिन प्रणय जी कहते हैं कि मुझे डर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा। क्यों, क्यों भय नहीं लगता? तो प्रणय जी कहते हैं कि भगवान, भय तो तब लगे जब मैं आपके चेहरे को देखूं, क्योंकि आपका चेहरा तो बड़ा भयानक है ना, मैं आपके चेहरे को देखूं तब तो मुझे डर लगे। मेरा ध्यान आपके चेहरे पर नहीं, मेरा ध्यान तो आपके चरणों में लगा हुआ है प्रभु, तो मुझे डर क्यों लगेगा, मैं तो आपके चरणों में देख रहा हूं। जो भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगाता है वो सारे संसार के भय से मुक्त हो जाता है, उसको डर नहीं लगता। फिर भगवान के चरण जीव को अभय कर देते हैं बंधुओं, समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। प्रणय जी कह रहे हैं कि भगवान, मेरा ध्यान तो आपके चरणों में केंद्रित है, और दूसरी बात, मैं आपसे डरूं तो क्यों डरूं प्रभु, आप तो मेरे पिता लगते हो, सारे जगत के पिता हो आप। अब शेर का बच्चा कभी शेर से डरता है? मैं आपसे क्यों डरूं, मैं तो आपका ही अंश हूं, मैं आपकी संतान हूं। ऐसी अद्भुत स्तुति श्री प्रणय जी कर रहे हैं। भगवान प्रहलाद की स्तुति सुनकर कहते हैं, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तमम वरम वृणीष्वा भीमतम काम पूरोस्मि हम निर्णाम। प्रहलाद को भगवान कह रहे हैं कि प्रहलाद भद्र भद्रम ते, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो बेटा, तू देवताओं से भी श्रेष्ठ हो चुका है। है तो तू असुर, असुर कुल में जन्म लिया तूने बेटा, लेकिन आज तू देवताओं से भी श्रेष्ठ हो चुका है। और देख, आज मैं तेरे से इतना प्रसन्न हूं प्रहलाद, कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे से कोई वरदान मांगे। क्यों? क्योंकि काम पूरोस्मि हम निर्णाम, मैं संसार के जीवों की कामना पूर्ण करने में परम श्रेष्ठ हूं, तू मांग मेरे से तुझे क्या चाहिए, मैं कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूं। अब देखो भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि वरदान मांग, लेकिन प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं, हमको शिक्षा लेनी चाहिए। प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं भगवान से, कोई बहुत रुपया पैसा नहीं मांगा, लंबा चौड़ा महल मकान जमीन जायदाद ये सब नहीं मांगा प्रहलाद जी ने, क्या कह रहे हैं भगवान को, एक ही बात कहते हैं कि यदि राशि समी कामान वरस्तुम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणीवरम। एक ही वरदान मांग रहे हैं कि हे नरसिंह प्रभु, आपको मुझे यदि कुछ देना है तो ऐसी कृपा करो, आज मैं आपसे बस यही मांग रहा हूं कि मैं आज के बाद आपसे कभी कुछ ना मांगूं। प्रेम से कहो श्री राधे, हम कभी ऐसा भगवान से कहते हैं?
हम तो हमेशा यही कहते हैं कि प्रभु हम भी ऐसे ही मांगते रहें, आप भी ऐसे ही देते रहो, हमारी मांग कभी पूरी ना हो और तुम्हारा देना कभी बंद ना हो। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मेरा मांगना ही बंद हो जाए, मैं आपके पास कभी भिखारी बन के ना आऊं, मैं आपके पास भक्त बन के आऊं, कुछ मांगने ना आऊं, प्रभु मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बंधुओं, मैंने कल भी ये बात कही थी कि भगवान तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं और दे रहे हैं। प्रभु मांगने में तो शायद आपको थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि इतना मांगने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है जितना भगवान तुमको दे सकते हैं। याद रखो, मांगोगे तो घाटे में रहोगे, और यदि नहीं मांगोगे तो तुमको जो मांगने की इच्छा थी वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं मांगा वो भी मिलेगा तुमको। केवल मांगने में जीवन बर्बाद मत करना, ऐसा नहीं जैसे कि एक माता थी, बड़ा उसने भगवान का भजन किया, बहुत भगवान एक बार प्रसन्न हो गए, दर्शन देने आ गए माता को। अब पूछा कि तुझे क्या चाहिए, उसने कहा कि भगवान मेरे अंदर तो बड़ी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं, एक तो वो आंखों से अंधी थी, दिखाई नहीं देता था उसको, उसके घर में पैसा भी नहीं था, बड़ी कमी थी रुपये पैसे की, बेटे की शादी भी नहीं हुई थी उसकी भी चिंता, और एक पोता भी अपने घर में देखना चाहती थी। अब इतनी सारी इच्छाएं, भगवान को कहा कि प्रभु बहुत सारी इच्छाएं हैं मेरे अंदर, मैं यानी घर में पैसा भी आ गया तभी तो सोने का कटोरा आएगा, और पोते को यानी बेटे की शादी भी हो गई, पोता भी हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा माता ने। प्रेम से कहो श्री राधे, हम लोग कितने चालाक हैं, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया उसने, लेकिन नहीं नहीं, परमात्मा के चरणों में हम बैठे हैं तो भगवान से उनकी भक्ति मांगे, प्रेम मांगे, यदि ये हमको मिल गया तो और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बंधुओं, भगवान सब कुछ देने को तैयार हैं। मैं कहा करता हूं कि इनकी आंखों से नूर मिलता है, इनके दर्शन से सुरूर मिलता है, और जो भी आता है दर पे एक बार उसे कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। भगवान के द्वार से कभी खाली तो कोई जाता ही नहीं है।